दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने। और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चैटर्जी। हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज़ एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस, जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्य के साथ। सूर्य, जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से। और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर, भरत, कॉल, जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स। फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP Bose investigate karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal and others including the DIG is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द डीआईजी एंड नियरली किल एसीपी बोस। सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए। ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व एंड अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस। And the elder brother dies in the younger brother's arms. Entire media जो कि है वो देख सोचती है कि ACP बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द DIG सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है। फर्स्टली ही किल्स निखिल and then he kills the DIG. Nikhil had also kidnapped Indu as he wants her to at any cost, but Surya rescue kar leta hai. To he section Shankar kidnap karta hai puri family ko Surya ki, and Surya goes to section Shankar house, and when he kills Shankar and rescues family under the supervision of the new DIG jo ki use support karta hai puri tarike se. बात की जाए कास्ट की, तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, स्रवंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज एसीपी सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज एसीपी बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट डीआईजी के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ डीआईजी कैमियो अपीयरेंस था, विश्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही एसीपी बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी सह एज इंदुस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर। ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला, मोनाली ठाकुर,
केसे वैशान और मोनाली ठाकुर ओ सोना भी कुणाल गंजवाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था। साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने। फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय गौतम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से। एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से। एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं। अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स। एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म इन टॉलीवुड। करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशप वृक्ष, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी। और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे। एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला। कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं, और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू। इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं एबीपी न्यूज़ की, एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में। प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता। उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालू भाषा, दुजोने, वांटेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज़ रहीं। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने, एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि एसीपी सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे। इज़ अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो अ प्रोड्यूसर। एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा। विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो। विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बतौर अगुन, एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि, कोकोनो मेघ, कोकोनो बृष्टि, चंद्र खोत एंड नंदितो नरोके। एंड सिंस दैट ही हैज़ एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स एंड
अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं, जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011। तो वही हैज एक्टेड इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001। विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है, जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने, और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चैटर्जी। हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज़ एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्य के साथ। सूर्य जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से, और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर भरत कौल, जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स। फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP Bose investigate karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal and others including the DIG is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द डीआईजी एंड नियरली किल एसीपी बोस। सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी जाए। ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व एंड अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस and the elder brother dies in the younger brother's arms. Entire media जो कि है वो देख सोचती है कि ACP boss ने swindle करा है money के चक्कर में, और जो है believe कराया जाता है that by the DIG Surya decide to take revenge on the people जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है. Firstly he kills Nikhil and then he kills the DIG. Nikhil had also kidnapped Indu as he wants her to at any cost, but Surya rescue कर लेता है. तो भी Section Shankar kidnap करता है पूरी family को Surya की, and Surya goes to Section Shankar house, and when he kills Shankar and rescues family under the supervision of the new DIG, जो कि उसे support करता है पूरी तरीके से. बात की जाए कास्ट की, तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, स्रवंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज एसीपी सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज एसीपी बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट डीआईजी के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ डीआईजी कैमियो अपीयरेंस था, बिस्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही एसीपी बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली
मौसमी साहा एज इंदूज मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज़ रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साहा एज ट्रेन पैसेंजर। ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने। फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से। एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से, एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं, अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स, एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म इन टॉलीवुड। करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्ष, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी, और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला। कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं, और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू। इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं ABP न्यूज़ की, एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में, प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता। उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालो भाषा, दुजोने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज रही। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने, एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि ACP सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे। इज अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो प्रोड्यूसर, एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा, विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 times फॉर हिज रोल इन द फिल्म्स हॉट हैट ब्रिस्टी, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप
चा एंड पुत्रो। विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की, तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बतौर अगुन एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हेड वृष्टि कोकोनो मेघ कोकोनो वृष्टि चंद्र खोतो एंड नंदितो नरोके एंड सिंस दैट ही हैज एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011। तो वही हैज एक्टेड इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001। विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने और फिल्म में नज़र आए थे जीत साथ ही स्रवंती चैटर्जी। हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज़ एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्या के साथ। सूर्या जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर भरत कौल जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स। फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP Bose investigate karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal and others including the DIG is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द डीआईजी एंड नियरली किल एसीपी बोस। सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए। ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व्ड एंड अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस एंड द एल्डर ब्रदर डाइज इन द यंगर ब्रदर्स आर्म्स। एंटायर मीडिया जो कि है वो देख सोचती है कि एसीपी बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द डीआईजी सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है। फर्स्टली ही किल्स निखिल and then he kills the DIG. Nikhil had also kidnapped Indu as he wants her to at any cost, but Surya rescue kar leta hai. To he Section Shankar kidnap karta hai puri family ko Surya ki, and Surya goes to Section Shankar house, and when he kills Shankar and rescues family under the supervision of the new DIG jo ki use support karta hai puri tarike se.
बात की जाए कास्ट की तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, स्रबंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज एसीपी सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज एसीपी बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट डीआईजी के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ डीआईजी कैमियो अपीयरेंस था, बिस्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही एसीपी बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी सह एज इंदुस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर। ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने। फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से। एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से, एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं, अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने, एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स, एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म्स इन टॉलीवुड। करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्ष, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी, और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला। कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं, और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। दोस्तों बात करते हैं स्रबंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदु, इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं एबीपी न्यूज़ की, एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में, प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता। उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालो बादशाह दुजौने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज रही। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजौने, एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था।
विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि ACP सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे. इज अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो प्रोड्यूसर. एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा. विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है. ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 times फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैड बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो. विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की, तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बतौर अगुन, एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैड बृष्टि, कोकोनो मेघ, कोकोनो बृष्टि, चंद्र खोतो एंड नंदितो नरोके. एंड सिंस दैट ही हैज एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स, एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं, जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011. तो वही हैज एक्टेड इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001. विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में. दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने. और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चैटर्जी. हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय SK मूवीज़ एंड IOU फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता. बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से. ACP बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्य के साथ. सूर्य जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से, और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर भरत कौल, जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए. इंदु कम्स अक्रॉस ACP बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स. फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर. But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP boss investigate karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal, and others including the DIG is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द DIG एंड नियरली किल ACP बोस. सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए. ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व, अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस. And the elder brother dies in the younger brother's arms. Entire media जो कि है वो देख सोचती है कि ACP बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और
जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द डीआईजी सूर्या डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है. फर्स्टली ही किल्स निखिल एंड देन ही किल्स द डीआईजी. निखिल हैड ऑल्सो किडनैप्ड इंदू एज ही वॉन्ट्स हर टू एट एनी कॉस्ट बट सूर्या रेस्क्यू कर लेता है. तो भाई सेक्शन शंकर किडनैप करता है पूरी फैमिली को सूर्या की एंड सूर्या गोज टू सेक्शन शंकर हाउस एंड व्हेन ही किल्स शंकर एंड रेस्क्यू हिज फैमिली अंडर द सुपरविजन ऑफ द न्यू डीआईजी जो कि उसे सपोर्ट करता है पूरी तरीके से. बात की जाए कास्ट की तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्या, स्रवंती एज इंदू, फरदोस अहमद एज एसीपी सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज एसीपी बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट डीआईजी के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ डीआईजी कैमियो अपीयरेंस था, बिस्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्या और साथ ही एसीपी बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदूस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी साह एज इंदूस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज़ रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर. ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने. फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से. एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से. एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं. अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म्स इन टॉलीवुड. करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्षा जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी, और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू जो कि एक तेलुगु फिल्म थी. सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती. इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज में और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला. कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका. दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू. इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं एबीपी न्यूज़ की एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में. प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता. उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालू भाषा,
दुजोने वॉन्टेड आमनुष जोश फाइटर फंदे पोरिया बोगा कांदेरे इडियट दीवाना कनामची गोयनार बक्शो मजनू बिंदास काठमांडू शिकारी जियो पागला जोड़ी एक दिन गुगली उड़ान चौबियाल लॉकडाउन अचेना उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज रही। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी एंड डांस बांग्ला डांस दीदी नंबर वन सुपरस्टार परिवार दुजोने एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की जो कि एसीपी सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे। इज़ अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर ऑल्सो प्रोड्यूसर एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा। विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर a record of 5 times for his role in the films Hot Hat Brishti, Ganga Jatra, Kusum Kusum Prem, Ek Kap Cha and Putro. With all this बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बितौर अगुन एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट ब्रिष्टि कोखोनो मेघ कोखोनो ब्रिष्टि चंद्र खोता एंड नंदितो नरोके एंड सिंस दैट ही हैज एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011। तो वही हैज एक्टेड इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001। विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज हुई फाइटर फिल्म की जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने और फिल्म में नज़र आए थे जीत साथी स्रवंती चैटर्जी। हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्य के साथ। सूर्य जो कि कॉलेज स्टूडेंट है प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर भरत कौल जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP Bose investigates karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal and others including the DIG is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked but the section shankar hai eliminate kar deta hai usko and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai arrest karta hai manager ko use le jata hai
समहाउ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मेन एंड द डीआईजी एंड नियरली किल एसीपी बोस। सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए। ऑन द वे समहाउ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व, अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस एंड द एल्डर ब्रदर डाइज इन द यंगर ब्रदर्स आर्म्स। एंटायर मीडिया जो कि है वो देख सोचती है कि एसीपी बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द डीआईजी सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है। फर्स्टली ही किल्स निखिल एंड देन ही किल्स द डीआईजी। निखिल हैड ऑल्सो किडनैप्ड इंदु एज ही वॉन्ट्स हर टू एट एनी कॉस्ट, बट सूर्य रेस्क्यू कर लेता है। तभी सेक्शन शंकर किडनैप करता है पूरी फैमिली को सूर्य की, एंड सूर्य गोज टू सेक्शन शंकर हाउस एंड वेन ही किल्स शंकर एंड रेस्क्यू हिज फैमिली अंडर द सुपरविजन ऑफ द न्यू डीआईजी जो कि उसे सपोर्ट करता है पूरी तरीके से। बात की जाए कास्ट की तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, स्रवंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज एसीपी सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज एसीपी बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट डीआईजी के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ डीआईजी कैमियो अपीयरेंस था, बिस्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही एसीपी बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी साह एज इंदुस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर। ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने। फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से। एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से, एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं, अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने, एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स, एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म इन टॉलीवुड। करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्ष, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी, और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला।
कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। तो दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू। इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं ABP न्यूज़ की एंड एंकर। अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में, प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता। उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नजर आई थी मेहर बधो, चैम्पियन, भालू बादशाह, दुजोने, वांटेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज रही। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि ACP सुभाष बोस के किरदार में नजर आए थे। इज अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो प्रोड्यूसर एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा। विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 times फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो। विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बतौर अगुन एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि, कोकोनो मेघ, कोकोनो बृष्टि, चंद्र खोता एंड नंदितो नरोके। एंड सिंस दैट ही हैज़ एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं, जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011। तो वही हैज़ एक्टेड इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001। विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चैटर्जी। हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय SK मूवीज़ एंड IOU फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। ACP बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्या के साथ। सूर्या जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदू से और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर भरत कौल, जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदू कम्स अक्रॉस ACP बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स। फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP Bose investigate karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar
whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money, which is completely illegal, and others, including the DIG, is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back, as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss तभी वहाँ पहुँचता है, अरेस्ट करता है मैनेजर को, उसे ले जाता है. Somehow सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मेन एंड द डीआईजी एंड नियरली किल एसीपी बोस. सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए. ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व, अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस, एंड द एल्डर ब्रदर डाइज इन द यंगर ब्रदर्स आर्म्स. एंटायर मीडिया जो कि है वो देख सोचती है कि एसीपी बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द डीआईजी सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है. फर्स्टली ही किल्स निखिल एंड देन ही किल्स द डीआईजी. निखिल हैड आल्सो किडनैप्ड इंदु एज ही वांट्स हर टू एट एनी कॉस्ट, बट सूर्य रेस्क्यू कर लेता है. तो ये सेक्शन शंकर किडनैप करता है पूरी फैमिली को सूर्य की, एंड सूर्य गोज टू सेक्शन शंकर हाउस, एंड व्हेन ही किल्स शंकर एंड रेस्क्यूज फैमिली अंडर द सुपरविजन ऑफ द न्यू डीआईजी, जो कि उसे सपोर्ट करता है पूरी तरीके से. बात की जाए कास्ट की, तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, श्रवंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज एसीपी सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज एसीपी बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट डीआईजी के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ डीआईजी कैमियो अपीयरेंस था, बिस्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही एसीपी बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी साह एज इंदुस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर. ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला, मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने. फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से. एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से, एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं. अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने, एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स, एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म्स इन टॉलीवुड. करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्षा, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी.
और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला। कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू। इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं एबीपी न्यूज़ की एंड एंकर। अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में, प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता। उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालो बादशाह, दुजोने, वांटेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज़ रहीं। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि एसीपी सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे। इज अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो प्रोड्यूसर एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा। विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो। विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बतौर अगुन एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि, कोकोनो मेघ, कोकोनो बृष्टि, चंद्र खोता एंड नंदितो नरोके। एंड सिंस दैट ही हैज एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म commercially films and apart from acting कुछ films produce भी करी हैं, जैसे कि एक कप चा in 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम in 2011। तो वही has acted in a few Indian films जैसे कि मिट्टी in 2001। with all this एक अच्छा career रहा है उनका film industry में। दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने, और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चाटर्जी। हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्य के साथ। सूर्य जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदू से, और तभी एंटर करता है सेक्शन शंकर। सेक्शन में शंकर, भरत, कॉल
जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स। फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। बट सूर्य स्टडीज इन इंदूस कॉलेज एंड सून आफ्टर दे एक्सीडेंटली इवन कम टू नो ईच अदर एंड गेट क्लोज। एसीपी बोस इन्वेस्टिगेट करता है केस ऑफ अ ड्रेडेड क्रिमिनल सेक्शन शंकर हुम नो वन हैज बीन एबल टू टच। इवन इन्वॉल्व होता है विद अ लैंड डील इन्वॉल्विंग करोड़ ऑफ मनी विच इज कम्प्लीटली इलीगल एंड अदर्स इंक्लूडिंग द DIG इज इन्वॉल्व। When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द DIG एंड नियरली किल ACP बोस। सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए। ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व एंड अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस and the elder brother dies in the younger brother's arms. Entire media जो कि है वो देख सोचती है कि ACP बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द DIG सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है। फर्स्टली ही किल्स निखिल and then he kills the DIG. Nikhil had also kidnapped Indu as he wants her to at any cost, but Surya rescue kar leta hai. To bhi section shankar kidnap karta hai puri family ko Surya ki, and Surya goes to section shankar house, and when he kills shankar and rescues family under the supervision of the new DIG jo ki use support karta hai puri tarike se. बात की जाए कास्ट की तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, श्रवंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज ACP सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज ACP बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट DIG के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ DIG कैमियो अपीयरेंस था, विश्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही ACP बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदूस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी साह एज इंदूस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज़ रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर। ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने। फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से। एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से, एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं, अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने।
एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स, एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म्स इन टॉलीवुड। करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्ष, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी। और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला। कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं, और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू। इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं एबीपी न्यूज़ की, एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में। प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता। उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधो, चैम्पियन, भालो बादशाह, दुजोने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज रही। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने, एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि एसीपी सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे। इज़ अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो प्रोड्यूसर, एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा। विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो। विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बितौर अगुन, एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि, कोकोनो मेघ, कोकोनो बृष्टि, चंद्र खोत एंड नंदितो नरोके, एंड सिंस दैट ही हैज एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स, एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं, जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011। तो वही हैज एक्टेड इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001। विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है, जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने, और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चाटर्जी।
हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्या के साथ। सूर्या जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से और तभी एंटर करता है सेक्शन शंकर। सेक्शन में शंकर भरत कौल जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स। फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। बट सूर्य स्टडीज इन इंदुस कॉलेज एंड सून आफ्टर दे एक्सीडेंटली इवन कम टू नो ईच अदर एंड गेट क्लोज। एसीपी बोस इन्वेस्टिगेट करता है केस ऑफ अ ड्रेडेड क्रिमिनल सेक्शन शंकर हुम नो वन हैज बीन एबल टू टच। इवन इन्वॉल्व होता है विद अ लैंड डील इन्वॉल्विंग करोड़ ऑफ मनी विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल एंड अदर्स इंक्लूडिंग द DIG इज इन्वॉल्व। When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द DIG एंड नियरली किल ACP बोस। सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए। ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व्ड एंड अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस एंड द एल्डर ब्रदर डाइज इन द यंगर ब्रदर्स आर्म्स। एंटायर मीडिया जो कि है वो देख सोचती है कि ACP बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द DIG सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है। फर्स्टली ही किल्स निखिल and then he kills the DIG. Nikhil had also kidnapped Indu as he wants her to at any cost, but Surya rescue kar leta hai. Tabhi Section Shankar kidnap karta hai puri family ko Surya ki, and Surya goes to Section Shankar house, and when he kills Shankar and rescues family under the supervision of the new DIG jo ki use support karta hai puri tarike se. बात की जाए कास्ट की, तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, स्रबंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज ACP सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज ACP बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट DIG के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ DIG कैमियो अपीयरेंस था, बिस्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही ACP बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी साह एज इंदुस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर। ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे और
नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने। फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय गौतम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से। एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से। एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं। अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स। एंड इज़ वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म इन टॉलीवुड। करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्ष, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी। और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे। एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला। कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं, और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। दोस्तों बात करते हैं स्रबंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू। इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं ABP न्यूज़ की, एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में। प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता। उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नजर आई थी मेहर बधू, चैम्पियन, भालूबाशा भालूबाशा, दुजोने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज रही। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने, एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि ACP सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे। इज अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो प्रोड्यूसर, एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा। विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो। विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बितौर अगुन, एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि, कोकोनो मेघ, कोकोनो बृष्टि, चंद्र खोतो एंड नंदितो नरोके, एंड सिंस दैट ही हैज़ एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स, एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं, जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011। तो वहीं हैज़ एक्टेड
इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001। विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने। और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चैटर्जी। हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज़ एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्य के साथ। सूर्य जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से, और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर भरत कौल, जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स। अ फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP Bose investigate karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal and others including the DIG is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द डीआईजी एंड नियरली किल एसीपी बोस। सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए। ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व, अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस and the elder brother dies in the younger brother's arms. Entire media जो कि है वो देख सोचती है कि ACP बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द DIG सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है। फर्स्टली ही किल्स निखिल and then he kills the DIG. Nikhil had also kidnapped Indu as he wants her to at any cost, but Surya rescue kar leta hai. To bhi Section Shankar kidnap karta hai puri family ko Surya ki, and Surya goes to Section Shankar house, and when he kills Shankar and rescues family under the supervision of the new DIG, jo ki use support karta hai puri tarike se. बात की जाए कास्ट की, तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, स्रवंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज एसीपी सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज एसीपी बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट डीआईजी के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ डीआईजी कैमियो अपीयरेंस था, विश्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही एसीपी बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी साह एज इंदुस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज़ रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज
ट्रेन पैसेंजर। ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला, मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने। फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से। एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से, एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं। अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स, एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म्स इन टॉलीवुड। करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्ष, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी, और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला। कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं, और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू। इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं एबीपी न्यूज़ की, एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में, प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता। उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालू भाषा, दुजोने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज़ रहीं। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने, एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि एसीपी सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे। इज़ अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो अ प्रोड्यूसर, एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा, विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो। विद ऑल दिस
बात की जाए शुरुआत की, तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बतौर अगुन एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि कोकोनो मेघ कोकोनो बृष्टि Chandra Khoto and Nandito Noroke, and since that he has acted in numerous commercial films and apart from acting kuch films produce bhi kari hain jaise ki Ek Cup Cha in 2014 aayi thi, Kusum Kusum Prem in 2011, so he has acted in a few Indian films jaise ki Mitti in 2001. विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने, और फिल्म में नज़र आए थे जीत साथ ही स्रवंती चैटर्जी। हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज़ एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्य के साथ। सूर्य जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से, और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर भरत कौल जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स। फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP Bose investigate karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal and others including the DIG is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द डीआईजी एंड नियरली किल एसीपी बोस। सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी जाए। ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व एंड अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस and the elder brother dies in the younger brother's arms. Entire media जो कि है वो देख सोचती है कि ACP बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द DIG सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है। फर्स्टली ही किल्स निखिल and then he kills the DIG. Nikhil had also kidnapped Indu as he wants her to at any cost, but Surya rescue kar leta hai. To bhi Section Shankar kidnap karta hai puri family ko Surya ki, and Surya goes to Section Shankar house, and when he kills Shankar and rescues family under the supervision of the new DIG jo ki use support karta hai puri tarike se. बात की जाए कास्ट की, तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य,
Srabanti as Indu, Firdaus Ahmed as ACP Subhash Bose, Lockheed Chatterjee as ACP Bose's wife, Biplav Chatterjee, corrupt DIG ke role mein, Ashish Vidyarthi as a DIG, a cameo appearance tha, Biswajit Chakravarti as Surya aur saath hi ACP Bose ke father ke role mein, Joy Badlani as Indu's father, Bharat Kaul as Section Shankar, Sumit Ganguly, Mausumi Saha as Indu's mother, Biswanath Basu ice cream boy ke role mein, Gargi Banerjee a news reader rahi thi, to bhai Arindam Saha as a train passenger. Over to this, baat karte hain film se jude kuch soundtrack ki, jisme ki almost jo soundtrack raha hai wo 20 minute ka dekha gaya hai approx, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने. फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से. एंड विद ऑल दिस, बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से. एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं. अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने. एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर King of Tollywood and many others, and is one of the few actors for doing commercial action films in Tollywood. Career की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी as a modeling 1993 में, और पहला assignment आया था उनका बिशा वृक्षा, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था by विष्णुपाल चौधरी. और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी. सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती. इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला. कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं, और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका. दोस्तों बात करते हैं स्रबंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू. इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं ABP न्यूज़ की, एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में. प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता. उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालो भाषा, दुजोने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज रही. तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने, एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था. विद ऑल दिस, बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि ACP सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे.
is a Bangladeshi film actor, also a producer. And with all this, unka jo Bangladeshi acting work hai as a lead character raha. With this, Bollywood or Tollywood mein bhi unhone kaam kiya hai. He has also won Bangladesh National Film Award for Best Actor, a record of 5 times for his role in the films Hot Hat Brishti, Ganga Jatra, Kusum Kusum Prem, Ek Kap Cha and Putro. With all this, बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बतौर अगुन एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैड ब्रिस्टी, कोकोनो मेघ, कोकोनो ब्रिस्टी, चंद्र खोता एंड नंदितो नरोके. एंड सिंस दैट ही हैज एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म commercially films and apart from acting kuch films produce bhi kari hain jaise ki Ek Kap Cha in 2014 aayi thi, Kusum Kusum Prem in 2011. So he has acted in a few Indian films jaise ki Mitti in 2001. With all this, ek acha career raha hai unka film industry mein. दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने. और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चैटर्जी. हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज़ एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता. बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से. एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्या के साथ. सूर्या जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से. और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर भरत कौल, जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए. इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स. फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर. But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP Bose investigate karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal and others including the DIG is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है. तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द डीआईजी एंड नियरली किल एसीपी बोस. सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए. ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व एंड अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस. And the elder brother dies in the younger brother's arms. Entire media जो कि है वो देख सोचती है कि ACP बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द DIG सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है.
Firstly, he kills Nikhil and then he kills the DIG. Nikhil had also kidnapped Indu as he wants her to at any cost, but Surya rescue kar leta hai. तभी सेक्शन शंकर किडनैप करता है पूरी फैमिली को सूर्य की. एंड सूर्य गोज़ टू सेक्शन शंकर हाउस एंड व्हेन ही किल्स शंकर एंड रेस्क्यू हिज फैमिली अंडर द सुपरविजन ऑफ द न्यू DIG जो कि उसे सपोर्ट करता है पूरी तरीके से. बात की जाए कास्ट की तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, स्रवंती एज इंदू, फरदोस अहमद एज ACP सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज ACP बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट DIG के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ DIG कैमियो अपीयरेंस था, बिस्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही ACP बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदूस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी साह एज इंदूज मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर. ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला, मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने. फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से. एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से. एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं. अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने. एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स, एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म इन टॉलीवुड. करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्षा, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी. और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी. सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती. इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे. एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस पागला. कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं, और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका. दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू. इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं ABP न्यूज़ की, एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में. प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता. उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालू भाषा, दुजोने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास,
काठमांडू शिकारी जियो पागला जोड़ी एक दिन गुगली उड़ान चौबियाल लॉकडाउन अचेना उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज रही तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी। ऑन डांस बांग्ला डांस दीदी नंबर वन सुपरस्टार परिवार दुजोने एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की जो कि एसीपी सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे। इज अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर ऑल्सो प्रोड्यूसर एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा। विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर अ रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि गंगा यात्रा कुसुम कुसुम प्रेम एक कप चा एंड पुत्रो। विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बितौर अगुन एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि कोकोनो मेघ कोकोनो बृष्टि चंद्र खोतो एंड नंदितो नरोके एंड सिंस दैट ही हैज़ एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011 तो वही हैज एक्टेड इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001। विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने और फिल्म में नज़र आए थे जीत साथ ही स्रवंती चैटर्जी। हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज़ एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्या के साथ। सूर्या जो कि कॉलेज स्टूडेंट है प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से और तभी एंटर करता है सेक्शन शंकर। सेक्शन में शंकर भरत कौल जो कि विलन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP Bose investigate karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal and others including the DIG is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked but the section shankar hai eliminate kar deta hai usko and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai arrest karta hai manager ko usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द डीआईजी एंड नियरली किल एसीपी बोस।
सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए। ऑन द वे समाउ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व्ड, अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस, एंड द एल्डर ब्रदर डाइज इन द यंगर ब्रदर्स आर्म्स। एंटायर मीडिया जो कि है वो देख सोचती है कि एसीपी बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द डीआईजी सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है। फर्स्टली ही किल्स निखिल एंड देन ही किल्स द डीआईजी। निखिल हैड आल्सो किडनैप्ड इंदु एज ही वांट्स हर टू एट एनी कॉस्ट, बट सूर्य रेस्क्यू कर लेता है। तो भाई सेक्शन शंकर किडनैप करता है पूरी फैमिली को सूर्य की, एंड सूर्य गोज टू सेक्शन शंकर हाउस, एंड व्हेन ही किल्स शंकर एंड रेस्क्यू हिज फैमिली अंडर द सुपरविजन ऑफ द न्यू डीआईजी जो कि उसे सपोर्ट करता है पूरी तरीके से। बात की जाए कास्ट की तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, स्रवंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज एसीपी सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज एसीपी बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट डीआईजी के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ डीआईजी कैमियो अपीयरेंस था, विश्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही एसीपी बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी सह एज इंदुस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर। ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला, मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने। फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से। एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से, एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं। अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने, एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपियंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स, एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म्स इन टॉलीवुड। करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्षा, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी, और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला। कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं, और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द
character of Indu. इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं, ABP न्यूज़ की एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म में. प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता. उनके करियर की कुछ फिल्म की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालो बादशाह, दुजोने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज़ रहीं. तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था. विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि ACP सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे. इज अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो प्रोड्यूसर एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा. विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है. ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो. विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बतौर अगुन एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि, कोकोनो मेघ, कोकोनो बृष्टि, चंद्र खोतो एंड नंदितो नरोके. एंड सिंस दैट ही हैज एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म commercially films and apart from acting कुछ films produce भी करी हैं, जैसे कि एक कप चा in 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम in 2011. तो वही has acted in a few Indian films जैसे कि मिट्टी in 2001. with all this एक अच्छा career रहा है उनका film industry में. दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चाटर्जी. हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय SK मूवीज एंड IOU फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता. बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से. ACP बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्य के साथ. सूर्य जो कि कॉलेज स्टूडेंट है प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर भरत कौल जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए. इंदु कम्स अक्रॉस ACP बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स. फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर. But Surya studies in Indu's college and soon after they accidentally even come to know each other and get close. ACP boss investigate karta hai case of a dreaded criminal Section Shankar whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal and others including the DIG is involved.
when the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. Somehow section Shankar discover karta hai ki manager kahan le jaya gaya hai. तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द डीआईजी एंड नियरली किल एसीपी बोस. सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए. ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व्ड एंड अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस एंड द एल्डर ब्रदर डाइज इन द यंगर ब्रदर्स आर्म्स. एंटायर मीडिया जो कि है वो देख सोचती है कि एसीपी बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द डीआईजी सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है. फर्स्टली ही किल्स निखिल एंड देन ही किल्स द डीआईजी. Nikhil had also kidnapped Indu as he wants her to at any cost, but Surya rescue कर लेता है. तो ये Section Shankar kidnap करता है पूरी family को Surya की, and Surya goes to Section Shankar house, and when he kills Shankar and rescues family under the supervision of the new DIG जो कि उसे support करता है पूरी तरीके से. बात की जाए कास्ट की तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, श्रवंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज एसीपी सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज एसीपी बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट डीआईजी के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ डीआईजी कैमियो अपीयरेंस था, विश्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही एसीपी बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी साह एज इंदुस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज़ रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर. ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे और नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने. फिल्म का जो म्यूजिक लिरिक्स लिखे थे म्यूजिक के वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से. एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से, एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं. अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने, एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत फिल्म वर्क्स, और रेसिपियंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेलीसिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स, एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म्स इन टॉलीवुड. करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्ष, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी, और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू जो कि एक तेलुगु फिल्म थी. सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट
प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज में, और कुछ शोज तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला। कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू। इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं एबीपी न्यूज़ की एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में। प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता। उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधो, चैम्पियन, भालो भाषा, जुजोने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज रही। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि एसीपी सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे। इज़ अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो प्रोड्यूसर एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा। विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो। विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बितौर अगुन एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि, कोखोनो मेघ, कोखोनो बृष्टि, चंद्र खोतो एंड नंदितो नरोके एंड सिंस दैट ही हैज एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं, जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011। तो वही हैज एक्टेड इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001। विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने, और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चैटर्जी। हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय एसके मूवीज एंड आईओयू फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता। बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्य के साथ। सूर्य जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदू से, और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर भरत कौल, जो कि विलेन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदू कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज़ ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद द फ्रेंड्स।
फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर. बट सूर्य स्टडीज इन इंदूस कॉलेज एंड सून आफ्टर दे एक्सीडेंटली इवन कम टू नो ईच अदर एंड गेट क्लोज. एसीपी बोस इन्वेस्टिगेट करता है केस ऑफ अ ड्रेडेड क्रिमिनल सेक्शन शंकर whom no one has been able to touch. Even involved hota hai with a land deal involving crores of money which is completely illegal and others including the DIG is involved. When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked but the section shankar hai eliminate kar deta hai usko. And the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss तभी वहाँ पहुँचता है, arrest करता है manager को, उसे ले जाता है. Somehow section Shankar discover करता है कि manager कहाँ ले जाया गया है. तभी जो है arrive करता है वहाँ पे there and with his men and the DIG and nearly kill ACP boss. Section Shankar पूछता है कि कहाँ पे body dump करी है. करी जाए. ऑन द वे समाउ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस एंड द एल्डर ब्रदर डाइज इन द यंगर ब्रदर्स आर्म्स. एंटायर मीडिया जो कि है वो देख सोचती है कि एसीपी बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द डीआईजी सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है. फर्स्टली ही किल्स निखिल एंड देन ही किल्स द डीआईजी. निखिल हैड आल्सो किडनैप्ड इंदु एज ही वांट्स हर टू एट एनी कॉस्ट बट सूर्य रेस्क्यू कर लेता है. तो भाई सेक्शन शंकर किडनैप करता है पूरी फैमिली को सूर्य की एंड सूर्य गोज़ टू सेक्शन शंकर हाउस एंड व्हेन ही किल्स शंकर एंड रेस्क्यूज फैमिली अंडर द सुपरविजन ऑफ द न्यू डीआईजी जो कि उसे सपोर्ट करता है पूरी तरीके से. बात की जाए कास्ट की तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, श्रवंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज एसीपी सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज एसीपी बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट डीआईजी के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ डीआईजी कैमियो अपीयरेंस था, बिस्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही एसीपी बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी साह एज इंदुज मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज़ रीडर रही थी तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर. ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने. फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से. एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से. एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं. अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर
king of Tollywood and many others, and is one of the few actors for doing commercial action films in Tollywood. करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशा वृक्ष, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी, और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी. सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती. इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला. कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं, और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका. दोस्तों बात करते हैं स्रबंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदू. इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं एबीपी न्यूज़ की, एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में. प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता. उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालो भाषा, दुजोने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरियो, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज रही. तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी ऑन डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने, एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था. विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि ACP सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे. इज अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो प्रोड्यूसर, एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा. विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है. ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो. विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बितौर अगुन, एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि, कोकोनो मेघ, कोकोनो बृष्टि, चंद्र खोता एंड नंदितो नरोके, एंड सिंस दैट ही हैज़ एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स, एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं, जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011. तो वही हैज़ एक्टेड इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001. विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में. दोस्तों बात करते हैं 2011 में रिलीज़ हुई फाइटर फिल्म की, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा था रवि किनाजी ने, और फिल्म में नज़र आए थे जीत, साथ ही स्रवंती चाटर्जी. हालांकि फिल्म जो है प्रोड्यूस करी गई थी बाय SK मूवीज़ एंड IOU फिल्म्स की तरफ से, जिसमें कि साउंड ट्रैक दिया था यानी कि कंपोज करा गया था बाय इंद्रदीप दास गुप्ता.
बात की जाए फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसमें कि फिल्म स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से। एसीपी बोस जो कि सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, हैप्पीली मैरिड है और रहता है अपने पेरेंट्स और छोटे भाई सूर्या के साथ। सूर्या जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, प्यार करने लगता है अपनी क्लासमेट इंदु से, और तभी एंटर करता है सेक्शन में शंकर, भरत, कॉल जो कि विलन है और काफ़ी नोटोरियस है फॉर सेटलमेंट्स एंड लैंड डील्स के लिए। इंदु कम्स अक्रॉस एसीपी बोस व्हेन शी इज ऑन अ फील्ड ट्रिप फ्रॉम हर कॉलेज विद अ फ्रेंड्स। फ्रेंडली होती है विद हिज डॉटर पिंकी, हु टेल्स हर दैट शी विल इंट्रोड्यूस हर टू हर अंकल सूर्य एंड दे वुड मेक अ गुड पेयर। बट सूर्य स्टडीज इन इंदुस कॉलेज एंड सून आफ्टर दे एक्सीडेंटली इवन कम टू नो ईच अदर एंड गेट क्लोज। एसीपी बोस इन्वेस्टिगेट करता है केस ऑफ अ ड्रेडेड क्रिमिनल सेक्शन शंकर, हुम नो वन हैज बीन एबल टू टच। इवन इन्वॉल्व होता है विद अ लैंड डील इन्वॉल्विंग करोड़ ऑफ मनी विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल एंड अदर्स इंक्लूडिंग द DIG इज इन्वॉल्व। When the chairman of the bank who has lent money for the deal demand for the money back as the deal hasn't worked, but the section Shankar hai eliminate kar deta hai usko, and the people who are customers of the bank take the streets and try to damage the bank. ACP boss tabhi wahan pahunchta hai, arrest karta hai manager ko, usse le jata hai. समाओ सेक्शन शंकर डिस्कवर करता है कि मैनेजर कहाँ ले जाया गया है, तभी जो है अराइव करता है वहाँ पे देव एंड विद हिज मैन एंड द DIG एंड नियरली किल ACP बोस। सेक्शन शंकर पूछता है कि कहाँ पे बॉडी डंप करी है, करी जाए। ऑन द वे समाओ सूर्य गेट्स इन्वॉल्व, अल्टीमेटली रेस्क्यू करता है अपने भाई को फ्रॉम द बर्निंग बस, एंड द एल्डर ब्रदर डाइज इन द यंगर ब्रदर्स आर्म्स। एंटायर मीडिया जो कि है वो देख सोचती है कि ACP बोस ने स्वेंडल करा है मनी के चक्कर में, और जो है बिलीव कराया जाता है दैट बाय द DIG सूर्य डिसाइड टू टेक रिवेंज ऑन द पीपल जिन्होंने उसके भाई को मारने का के लिए बुलाया है। फर्स्टली ही किल्स निखिल and then he kills the DIG. Nikhil had also kidnapped Indu as he wants her to at any cost, but Surya rescue kar leta hai. To bhi section Shankar kidnap karta hai puri family ko Surya ki, and Surya goes to section Shankar house, and when he kills Shankar and rescues family under the supervision of the new DIG jo ki use support karta hai puri tarike se. बात की जाए कास्ट की, तो कास्टिंग में जीत नज़र आए थे एज सूर्य, स्रबंती एज इंदु, फरदोस अहमद एज ACP सुभाष बोस, लॉकेट चैटर्जी एज ACP बोस वाइफ, बिप्लव चैटर्जी करप्ट DIG के रोल में, आशीष विद्यार्थी एज अ DIG कैमियो अपीयरेंस था, विश्वजीत चक्रवर्ती एज सूर्य और साथ ही ACP बोस के फादर के रोल में, जॉय बदलानी एज इंदुस फादर, भरत कौल एज सेक्शन शंकर, सुमित गांगुली, मौसमी साह एज इंदुस मदर, विश्वनाथ बासु आइसक्रीम बॉय के रोल में, गार्गी बैनर्जी न्यूज रीडर रही थी, तो वही अरिंदम साह एज ट्रेन पैसेंजर। ओवर टू दिस बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ साउंड ट्रैक की, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो साउंड ट्रैक रहा है वो 20 मिनट का देखा गया है अप्रॉक्स, जिसमें कि टाइटल ट्रैक फाइटर रहा था जिसको गाया था दिबेंदु ने, मौन मंजारा गाया गया था बाय कुणाल गंजावाला, मोनाली ठाकुर, कैसे बाय शान और मोनाली ठाकुर, ओ सोना भी कुणाल गंजावाला और मोनाली ठाकुर ने गाया था, साथ ही नाना रोंगे गाया था महालक्ष्मी अय्यर ने, और नाना रोंगे का सैड वर्जन गाया था सोहम चक्रवर्ती ने। फिल्म का जो म्यूज़िक लिरिक्स लिखे थे म्यूज़िक के, वो लिखे गए थे बाय कौतुम सुष्मित, प्रियो चैटर्जी और प्रसन्न की तरफ से,
एंड विद ऑल दिस बात की जाए जो स्टार कास्ट है उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें कि जीत जो कि मेन लीड में रहे थे, वैसे तो उनका नाम जितेंद्र मंदानी है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है जीत के नेम से, एक वेल नोन इंडियन एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं। अपने काम के लिए बंगाली सिनेमा में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने एंड ओन करते हैं प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट एंटरटेनमेंट, जीत्स फिल्म वर्क्स, और रेसिपिएंट है काफ़ी सारे अवार्ड्स के, जिसमें कि टेली सिने अवार्ड्स, आनंदालोक पुरस्कार फॉर द बेस्ट एक्टर, कलाकार अवार्ड्स फॉर किंग ऑफ टॉलीवुड एंड मेनी अदर्स, एंड इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स फॉर डूइंग कमर्शियल एक्शन फिल्म्स इन टॉलीवुड। करियर की बात करें तो उन्होंने शुरुआत करी थी एज अ मॉडलिंग 1993 में, और पहला असाइनमेंट आया था उनका बिशप रिक्शा, जो कि बंगाली टीवी सीरीज था, डायरेक्ट करा गया था बाय विष्णुपाल चौधरी, और बिग स्क्रीन पर डेब्यू करा था विद अ फिल्म चंदू, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। सक्सेस की बात करें तो पहली सक्सेस उन्हें मिली थी ईयर 2002 में अपोजिट प्रियंका त्रिवेदी थ्रू फिल्म साथी, और जो कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, डायरेक्ट करी गई थी बाय हरनाथ चक्रवर्ती। इस फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे एंड इन टेलीविजन अपीयर हुए हैं काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में, और कुछ शोज़ तो होस्ट भी करे हैं इंक्लूडिंग कोटी टकार बाजी और बिग बॉस बांग्ला। कुछ और वर्क्स की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करी हैं और स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। दोस्तों बात करते हैं स्रवंती की, जो कि लीड एक्ट्रेस रही फिल्म में इन द कैरेक्टर ऑफ इंदु। इज एन इंडियन एक्ट्रेस, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं एबीपी न्यूज़ की एंड एंकर, अपीयर हुई हैं बंगाली सिनेमा फिल्म्स में, प्राइमरली जानी जाती हैं सिनेमा ऑफ वेस्ट बंगाल बेस्ड इन कोलकाता। उनके करियर की कुछ फिल्म्स की बात की जाए तो नज़र आई थी मेहर बधून, चैम्पियन, भालो बादशाह, दुजोने, वॉन्टेड, आमनुष, जोश, फाइटर, फंदे पोरिया, बोगा, कांदेरे, इडियट, दीवाना, कनामची, गोयनार, बक्शो, मजनू, बिंदास, काठमांडू, शिकारी, जियो पागला, जोड़ी एक दिन, गुगली, उड़ान, चौबियाल, लॉकडाउन, अचेना, उत्तम जैसे काफ़ी मूवीज़ रहीं। तो मैं ऑन टेलीविजन देखी गई थी डांस बांग्ला डांस, दीदी नंबर वन, सुपरस्टार परिवार, दुजोने एंड डांस बांग्ला डांस सीजन 11 और 12 में एज अ गेस्ट अपीयरेंस रहा था। विद ऑल दिस बात करते हैं फरदौस अहमद की, जो कि एसीपी सुभाष बोस के किरदार में नज़र आए थे। इज अ बांग्लादेशी फिल्म एक्टर, ऑल्सो प्रोड्यूसर एंड विद ऑल दिस उनका जो बांग्लादेशी एक्टिंग वर्क है एज अ लीड कैरेक्टर रहा। विद दिस बॉलीवुड और टॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है। ही हैज़ ऑल्सो वॉन बांग्लादेश नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, अ रिकॉर्ड ऑफ 5 टाइम्स फॉर हिज रोल इन द फिल्म हॉट हैट बृष्टि, गंगा यात्रा, कुसुम कुसुम प्रेम, एक कप चा एंड पुत्रो। विद ऑल दिस बात की जाए शुरुआत की तो 1997 में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द फिल्म बुकेर बतौर अगुन एंड रोज टू फेम इन द अर्ली 2000 विद हिज परफॉर्मेंस इन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक हॉट हैट बृष्टि, कोखोनो मेघ, कोखोनो बृष्टि, चंद्र खोता एंड नंदितो नरोके एंड सिंस दैट ही हैज़ एक्टेड इन न्यूमरस फिल्म कमर्शियली फिल्म्स एंड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस भी करी हैं, जैसे कि एक कप चा इन 2014 आई थी, कुसुम कुसुम प्रेम इन 2011। तो वही हैज़ एक्टेड इन अ फ्यू इंडियन फिल्म्स जैसे कि मिट्टी इन 2001। विद ऑल दिस एक अच्छा करियर रहा है उनका फिल्म इंडस्ट्री में।